मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हरिद्वार पांडे के निधन पर उनके घर पहुंचकर सदर सांसद रवि किशन ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि हरिद्वार पांडे पार्टी के एक अभिन्न अंग थे। उनके निधन से पार्टी को अभूतपूर्व क्षति पहुंची है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सांसद रवि किशन ने कौड़िया ब्लॉक में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राशन वितरण अभियान में शामिल होते हुए क्वारंटाइन हुए लोगों में राशन वितरित किया, साथ ही साथ कोरोना किट और 1,000 रुपये भी वितरित किए। इसके अलावा सांसद रवि किशन ने कैंपियरगंज के गाँव में माताओं बहनों को कोरोना संक्रमण के बचाव के प्रति जागरूक किया। इसी के साथ सांसद रवि किशन ने साकेत नगर में शनिवार को एक गोदाम में लगी आग के मालिक से बात की। मालिक रामजी साहनी ने सांसद रवि किशन से बात करते हुए भावुक हो गए, जिससे सांसद रवि किशन ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन आपके साथ है। आप लोगों से यहाँ आके मिलने का कारण ये है कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मन की बात की। आज वो रेडियो पे बोले कि कैसे हम लोग इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे हम लोग स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें, कैसे हम विदेशी सामानों का इस्तेमाल ना करें। और ये बात हम जनवाने के लिए गोरखपुर के इस ग्रामीण जंगल कौड़िया के इस अद्भुत धरती पर आए हैं। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद और पूज्य महाराज जी के सबसे प्रिय गांव में से ये गांव है जंगल कौड़िया। तो गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हम अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने पूज्य महाराज मुख्यमंत्री का संदेशा जंगल कौड़िया को देने आए हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बने। कोरोना की महामारी में जैसे हम गमछा लगौले हैं, गमछा लगौले रहा, मास्क की जरूरत, अगर मास्क ना आ तो पैसा खर्चा करे का जरूरत ना आ, गमछाव मरले रहा तो और हाथ धोते रहा, सैनिटाइजर बाग सैनिटाइजर का कोनो जरूरत नहीं खे, साबुन से हाथ धोबा तबो चली। लेकिन ये महामारी का भाई कोनो वैक्सीन कोनो दवा नहीं खे बनल। और जैसे कि जाना तड़ा कि लोग मुंबई से दिल्ली से गुजरात से हमारे श्रमिक भाई बहन लोग आए हैं, 3 लाख लोग आए हैं और वो लोग हर गाँव में है। केहू के होम क्वारंटाइन कैल बा, केहू के अस्पताल में रखल गई बाड़े। थोड़ा शरीर जिसका कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है तो लौकी। लेकिन अगर आप लोग, जो हमको लगता है एक सांसद के रूप में और जैसे हम दुनिया देखे हैं, कसरत रोज करब बहुत जरूरी बा। सूर्य नमस्कार, योग और शुद्ध शाकाहारी भोजन, गर्म पानी, काढ़ा, हल्दी का दूध, यही सब एक इलाज बा। अपने शरीर को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तो इस महामारी को हम लोग हरा देंगे। अन्य प्रदेश 15 जोन देश है विश्व का, अमेरिका से लेके चाइना, ईरान, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, उससे भारत अभी अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन ये आप लोग यही सोच के चलें कि अभी ये महामारी रहेगी, कहीं भी मत सोचा कि भैया किरोना बा हमके का कह ले। अरे नहीं, अगर ये गमछा हमारे प्रधानमंत्री हमारे पूज्य महाराज जी ऐसे रखले वाड़न और पूरा विश्व डरा है इससे, तो इसके कारण है और ये वायरस दिखता नहीं है। और आज हमारे मन की बात में श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के लिए क्या कर रहे हैं, श्रमिक भाई के लिए, किसान के लिए राहत, पेंशन, पैसा, राशन वितरण, हर चीज, लड़की के लिए, बच्ची लोगों के लिए, बेटी पढ़ाना, शौचालय, सिलेंडर, गैस, चूल्हा, मकान, जोन जोन आयुष्मान भारत में जोन मेडिकल, आप लोगों के पूरा इलाज का पैसा, हर चीज भारत सरकार आपको दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, पूज्य महाराज जी की सरकार दे रही है। आजकल महाराज जी ने आदेश दिया कि जिसके पास कुछ नहीं उसको अकाउंट में 3,000 रुपया जाएगा, 1,000 रुपया जाएगा। 35 किलो अनाज अभी हम यहाँ पर वितरण 185 श्रमिक भाइयों के परिवार को करके आए, राज्य सरकार द्वारा हुआ, 185 लोगों के परिवार में जाएगा 35 किलो अनाज, इसी ग्राम सभा में। जी, इसी ग्राम सभा में। तो अब वही हम प्रधानमंत्री जी का आपको एक संदेशा देते हैं कि बरसात होने वाली, आप लोग जल जमाव का भी सोचिएगा, क्योंकि जल है तो जीवन है, हम लोग बचपने से सुनते आए हैं, तो जल को आप लोग संभाल के रखिएगा। ये समय थोड़ी विपदा का समय है, एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है, मानवता का समय है, यही भगवान देख रहे हैं, यही परीक्षा हो रही है,
इस वक्त अगर कोई बगल में तकलीफ में है उसको घरे अपने एक किलो अनाज पड़ल बा तो जाके मदद कह दा, अपने जेबा में अगर 50-100 रुपया पड़ल बा तो केहू के दे दा। पूज्य महाराज जी के हर बात ना मालूम पड़त हुई, प्रधानमंत्री जी के सांसद तक हर बात ना पहुंचत हुई, विधायक जी तक भी ना पहुंचत हुई, लेकिन अगर तुरंत केहू के जरूरत बा की तरह केहू के खांसी हो रहा है, बुखार आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, तुरंत उसका अस्पताल में जानकारी करवाइए। तुरंत जरा बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, खांसी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, तब अदरवाइज ढकले रहबा तो का कहल जाला भोजपुरिया में सटला तक गईला। तो ये दूरी बना के रखा, जितना दूरी कहे कि ये सब छुआछूत का बीमारी बा, ये छुआछूत का बीमारी संभरले रहा कोई यही नहीं, इसमें सबको संभाल के चलना है। हम ये बहुत कठिन परिस्थिति से देश गुजर रहा है, हमको लगता है महादेव की कृपा, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा, हम लोग इससे भी निकल जाएंगे। और आई बात आप लोग सबको जनवाइए, हम हर गांव-गांव जा रहे हैं, हर गांव में हम इसी तरह एक चौपाल कहल जाए या पेड़वा के नीचे बैठ के जैसे ऐसे बात होता, हमारे साथ हिंदू विवाह वाणी के अध्यक्ष जी भी बाड़न, हमारे साथ हमारे साथ यहाँ के हमारे जंगल कौड़िया के पूरे ग्रामीण के प्रणाम करत ही, हमके जितौला, हमके वोट देला, धन्यवाद दे चाहता नहीं। और राशन सांसद कार्यालय से भी बटल बा, राज्य सरकार से भी बटा था, केंद्र सरकार से भी बटी, आप लोगन का जौन समस्या हुई आप लोग, मैं यहीं पर हूँ, आप लोग कभी भी मुझे आप याद कर सकते हैं, हमारे कार्यालय से सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएगी, निसंकोच आप लोग 24 घंटा हमको फोन कर सकते हैं। ये अंदर जाए तो ऑर्गन सांस ले में तकलीफ हुई, बुखार में केहू के प्रॉब्लम हुई तो जैसे सांस ले या बुखार में खांसी आवता तुरंत घरे में बताई डॉक्टर से कि कौनो ये डेंजर बीमारी बाटे, एको एके मस्ती में हल्के में मत लिया, ये जान ले ले तो संभल ले रहा, ठीक बा, हर हर महादेव। बोला सब लोग, समस्त उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपने पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं गोरखपुर का सांसद रवि किशन शुक्ल, महाराज जी के कथनी और करनी में कोनो अंतर नहीं। महाराज जी ने बोला था कि कोई भी श्रमिक भाई जो यहां आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, 35 किलो का राशन, 35 किलो का अनाज, आलू के साथ सब कुछ एक परिवार के लिए, एक समस्त अगर 10 लोगों का परिवार है तो वो करीबन 10 दिन तक खा सकता है, इतना अनाज महाराज जी दे रहे हैं। और आज 185 लोगों को यहाँ पर हो रहा है, यहाँ मेरे साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे विधायक जी की टीम, हमारे हिंदू युवा वाहिनी की पूरी टीम और समस्त भारतीय जनता पार्टी संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का पूरा संगठन, अध्यक्ष सारे लोग पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं राज्य सरकार को और ये कैंपियरगंज की गरीब जनता महाराज जी को सत सत नमन करती कि महाराज जी धन्य हो गए, आज इतना राशन वितरण हो रहा। और ये सिर्फ कैंपियरगंज नहीं, ये समस्त उत्तर प्रदेश, गोरखपुर की पांचों विधानसभा, हर गांव ग्रामीण, 3 लाख श्रमिक भाई अभी तक उतर गए, सारे परिवार के लिए पूज्य महाराज जी, राज्य सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है, एक एक हजार रुपया भी सब लोग ले जा रहे हैं, 35 किलो राशन, 1-1 हजार रुपया, ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, ये है भारतीय जनता पार्टी का सत्य, हमारे पूज्य महाराज, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी का सत्य। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं ऐसी पार्टी का सांसद हूँ और मैं इस समस्त गोरखपुर की धरती से अपने पूज्य महाराज जी को बोलता हूँ, हर हर महादेव, जय गुरु गोरक्षनाथ महाराज की।